हे गाइस, आज मैं आपके सामने एक और आयुर्वेदिक प्लांट लेके प्रेजेंट हुई हूँ। ये आपका लसौड़े का बेल है, लसौड़े की बेल है। ये देखिए, ये पूरी बेल जो है ये पूरी मेरी फैली हुई है। ये देखिए, ये गई है आपकी पूरी, मेरी जो छत है वहाँ तक मैंने फैला के रखी है इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी फैली हुई है बेल। और भी मुझे लग रहा है ये पूरी बेल जो है मेरी नेबरहुड में रहते हैं लोग, जो पड़ोस में रहती हैं उनके घर पे भी चली गई है। तो ये आपका लसौड़े का बेल है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए। इसमें जो आपकी पत्ती होती है, अगर आपके दाना कहीं भी हो जाता है तो इसको आप पीस कर इसका जो रसा निकलता है वो आप आराम से लगा सकते हैं इस पर। ये बहुत ही बेनिफिट होता है इसका जो पत्ता होता है दानों के लिए। और इसका जो देख रहे हैं, ये देखिए फूल है इसका, ये देखिए ये फूल है इसका। और इसी से देखिए इसके फल भी बने हुए हैं। ये देखिए, ये भी फूल है और ये देखिए ये फल है इसके। जो फल होते हैं इन फलों, ये जब फल पक जाते हैं लाल हो जाते हैं तो इन फलों से जो है आप अचार भी बना सकते हैं। इन फलों का अचार बनता है, बहुत ही टेस्टी अचार होता है। और बाकी आप जो इनके पत्ते होते हैं वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी आरामदेह होते हैं। इसकी बेल आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी बेल की ये जो हैं ये जड़ें हैं इसकी, ये जो है ये निकल आती हैं। इसको आप कहीं से भी कट करके इसी के बिहाफ पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको लगा के मिट्टी में आराम से आपकी ये जो बेल है ये लग जाएगी। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है और मुझे लगता है आपको अपने घरों में इस बेल को लगाना चाहिए। ये देखिए मेरी जो बेल है ये यहाँ पे मैंने लगाई हुई है। ये देखिए ये लगी हुई है, ये वाली बेल जो है ये है। और इसी जगह काफ़ी सारे मैंने 2-3 प्लांट्स लगाए हुए हैं। एक अनार का भी प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, और ये बेला भी लगा हुआ है, रातरानी भी लगा हुआ है। 3 प्लांट मैंने एक ही जगह क्यारी में लगाया और तीनों बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये देखें, ये मेरा अनार का प्लांट है और ये लसौड़े की बेल है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये बेल जो है अपने अपने घरों में अच्छे से लगानी चाहिए। और जो मैंने इसके बेनिफिट्स बताए हैं होप सो आप उसको यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।